नमस्कार, स्वागत है आपका मेजबान जायके के सफर में। और अब होली आ रही है, होली सब आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए हम बनाते हैं चंद्रकला। चंद्रकला एक गुजिया की तरह से ही होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए इसको बनाते हैं और खूब रंगों का त्योहार को उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। चलिए फिर बनाते हैं। आज हम बनाएंगे चंद्रकला। उसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, 2 कप ये वाला, 2 कप मैदा, 1 कप शुगर, 250 ग्राम्स मावा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, नारियल, पिस्ता, और चाशनी बनाने के लिए हमें इलायची चाहिए। थोड़े से उसको चाशनी में इलायची डालेंगे, और 1/2 कप ऑयल और 2 टीस्पून देसी घी। अब हम इसको ये इसमें हम ये ऑयल मोइन के लिए डाल लेंगे। इसमें थोड़ा कमी डालेंगे, पहले देखते जाएंगे कि कितना पड़ सकता है। इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं इसमें। इसको हम ये देख लेते हैं, ऐसा बोल बनना चाहिए था, बन गया। थोड़ा सा इसमें ये अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी अच्छा था। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। तो सब मिक्स करके इसको हम बना लेते हैं, इसका डो बना लेते हैं। ना इसको बहुत पतला मारना है ना बहुत हार्ड मारना है, मतलब ना बहुत मीडियम वैसा रखना है। चपाती बनाते हैं उसे थोड़ा सा हार्ड, अगर पतला मतलब थोड़ा गीला हो जाएगा तो खस्ता नहीं बनेगी वो, थोड़ा सा टाइट की तरफ ही रखें। अभी हमारा ये डो तैयार हो गया। देखिए ऐसा है ना, बहुत टाइट है ना बहुत सॉफ्ट है। अब इसको हम थोड़ी देर को 10 मिनट को सेट करने के लिए रख देते हैं। ये 200 ग्राम हमने मावा लिया है, इसको हमने ऐसे चूरा करके इसमें हम डाल देंगे। ये थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता और ये थोड़ा पिसा हुआ नारियल। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने हल्की सी शुगर डाली है, बहुत हल्का सा। अभी हम मिक्स करके रख लेते हैं। इस शुगर की हम चाशनी बनाएंगे। अभी हमारा 10 मिनट बाद ये डो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसकी थोड़ी सी छोटी सी ऐसे ये लोई बनाएंगे। लोई थोड़ी सी ये लोई बना के रख लेते हैं। ये लोई बना ली, हम इसको बेलेंगे। इतनी बड़ी साइज की ये एक ही बेलेंगे, फिर एक ही और बेलेंगे।
ऐसे बेल लेंगे, दो चार बेल, फिर ऐसे हम इसको ऐसे दो चार और गोल गोल ऐसे बेल लेते हैं। ऐसे ही बेल के यहाँ रख लेते हैं। फिर हम इसको इसमें ये स्टफिंग रखेंगे मावे का, ये रखेंगे इसमें। फिर इसमें हम ये थोड़ा सा पानी में, हमने स्लरी टाइप का बना लिया पानी में, मैदा थोड़ा सा घोल के इसको ऐसे यहाँ लगा देंगे और ये इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे। फिर इसको यहाँ से हम ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे, इसका स्टफिंग लगाएंगे इसमें, इसकी पानी इधर से ये मैदा जो है इसको लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर से ये ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे बना लेंगे, ऐसे सारे बना के रख लेते हैं। अब ये देखिए हमारे ये तैयार है, इसको हमने बना लिया, ये सारे चंद्रकला बन गए। इसको बेल के अब हमने एक गैस पे एक कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल रख दिया और देखते हैं ऑयल गर्म हो गया क्या। डाल के थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हल्का भी गर्म, मीडियम फ्लेम ही रखना है, ये थोड़ा सा और गर्म हो जाए। फिर एक तरफ हमने एक ये पैन रखा है, इसमें हम ये चीनी डालेंगे, एक कप चीनी है ये, एक कप शुगर है, इसको ही डालेंगे और इसमें ही एक हाफ कप पानी, इस मेजरमेंट की एक कप चीनी ली हमने और इससे हाफ कप पानी डालेंगे। फिर इसको हम गैस डालते हैं, फिर इसको हम चाशनी बनाएंगे इसके लिए। और ये हमारा तैयार हो गया है गरम होके कढ़ाई, ये देखिए इसका, इसको निकाल देते हैं। इसमें फिर अब हम ये जो हमने चंद्रकला बनाए इसको हम एक एक डालते जाएंगे, इसमें ऐसे एक दो डालेंगे, मीडियम फ्लेम रखना है इसको, बहुत तेज भी नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे रख के करना है इसको। सभी हमने शुगर को चाशनी बनाने के लिए रख दिया। तो मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना है, ऐसे फूल जाते हैं बीच से, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब होली के मौसम में चंद्रकला, मालपुए, गुजे, ये सब अगर इसमें चीनी अंदर इसमें डाल दो तो थोड़ा खुलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि शुगर जो है पिघलती है तो फूलती है, तो इसलिए हल्की सी चीनी डाली इसके अंदर जो स्टफिंग बनाई थी। चाशनी देख लेते हैं इसको, चीनी को थोड़ा सा बीच में चला देते हैं, नीचे नीचे से लग जाएगी।
और इसमें जो इलायची थी वो हमने कूट ली थी, इसको इसमें चाशनी भी डाल दी, इसको बीच बीच में चला देंगे। अब ये देखो ये पलट देते हैं इसको, कितने अच्छे सीख रहे हैं, इसको बीच से पलट दिया, मीडियम फ्लेम पे सीख लें इसको, मीडियम से लो फ्लेम पे। अच्छे से इसको गुलाबी गुलाबी सिकना है। अगर तेज फ्लेम हुआ ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसको पलट देते हैं, पलट पलट के सेकते रहते हैं तो बराबर से इक्वली सिक जाएंगे। चाशनी बीच में चला देते हैं, अभी हमारा ये सिक गया। देखिए ऐसे 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 सिक जाना चाहिए, ये निकाल लेते हैं सिक गए, ऐसे गुलाबी गुलाबी सिकने चाहिए। फिर इसमें और डाल देते हैं, ये लो फ्लेम पे सिकना है, हल्के हाथ से इसको करते रहना है। चाशनी हमें ऐसे बनानी है जो कि बहुत पतली भी ना हो बहुत गाढ़ी भी ना हो। अभी हमारे ये भी हो गए, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे सी सिक गए तो इसको भी निकाल लेते हैं, ऐसे सिकने चाहिए, फ्लेम बहुत हल्की भी नहीं होनी चाहिए, अगर हल्की होगी तो खुल जाएंगे। और ये थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखना है, ये ऐसे सारे सेक लेंगे हम। और चाशनी देखिए, चाशनी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हाथ में आए तो ऐसे ऐसे तार सा बने। तो चाशनी भी तैयार है और हम ऐसे सारे वो सेक लेंगे। अभी हमारे सारे सिक्के तैयार हो गए, इसको अब हम इसमें चाशनी में ऐसे डिप करते हैं, 2 मिनट को ऐसे इसमें रहने देंगे। ऐसे कर करके चाशनी थोड़ी गाढ़ी रखें ना, जिससे कि इसमें लगी रहे, ऐसे पतली होने से वो एकदम इधर उधर बिखर जाएगी, थोड़ा गाढ़ी होने से ये इस पर लगी रहेगी, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं। इसको ऊपर से ऐसे थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, ऊपर से नारियल ला दिए तो बस अच्छा लगता है। तैयार है चंद्रकला, इसको खाइए, इसका स्वाद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी होली टू ऑल, थैंक यू।